हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोपी टेक पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे खिलाड़ियों की जो देश ही नहीं विदेश में भी उनका बल्ला चलता है। जी हाँ, उनका नाम है हिटमैन शर्मा, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा एक भारतीय खिलाड़ी है और वह वर्तमान में भारतीय टीम के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय T20 अंतर्राष्ट्रीय ओपनर के तौर पर खेलते हैं और इस समय भारतीय टीम के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय के उपकप्तान भी हैं। राष्ट्रपित रोहित शर्मा का जन्म नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इनका पूरा नाम रोहित गुरुनाथ शर्मा है। ऑफ स्पिनर बनकर क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने वाला एक क्रिकेटर जो ना सिर्फ बल्लेबाज बना बल्कि बल्लेबाजी की धाक पर इंडियन क्रिकेट में धोनी की तरह धड़कने लगा। नाम रोहित शर्मा, शानदार शॉट सिलेक्शंस, शानदार टाइमिंग, शानदार फुटबॉल और मैदान पर तेजी से रन बटोरना क्रिकेट की दुनिया में रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को बचपन से ही क्रिकेट से काफ़ी लगाव था। जब वे छठी क्लास में थे तो वे एक स्थानीय क्रिकेट क्लब में ऑफ स्पिनर्स बॉलर्स के रूप में शामिल हो गए थे। साल 1999 में रोहित शर्मा ने अंडर T12 टूर्नामेंट में कुछ विकेट लिए थे, जिसके बाद उनके स्कूल के कोच दिनेश लार्ड ने उनकी बल्लेबाजी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें बैटिंग करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद रोहित ने एक स्कूल के टूर्नामेंट मैच में शतक लगाकर कोच को प्रभावित किया। साल 2005 में रोहित को देवधर ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला। 2013-2014 में द्विपक्षीय एक दिवसीय मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने एक सीरीज में 491 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज में किसी बाहरी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए यह एक सर्वाधिक रन है। 13 नवंबर 2014 को रोहित शर्मा एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने कोलकाता के इडियन गार्डन पर श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाए। एक दिवसीय मैच में 3 दोहरे शतक बनाने वाले एकमात्र दुनिया के बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। एक पारी में चौकों और छक्कों से सर्वाधिक रन बनाने वाले मामले में उन्होंने शेन वाटसन का रिकॉर्ड भी तोड़ा। उन्होंने एक ही पारी में 186 रन जोड़े और छक्के चौके बनाए मारकर बनाए 33 चौके मारकर रोहित शर्मा एक पारी में सर्वाधिक चौके मारने वाले बल्लेबाज बने।